बसवा कल्याण टाइम्स में आपका स्वागत है। बसवा कल्याण में राजकुमार मजगे नामी शख्स ने सोशल मीडिया पर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आपत्तिजनक पोस्ट शेयर किया था। ये खबर जैसे ही पब्लिक में पहुंची, मुस्लिम कम्युनिटी के लोग बसवा कल्याण के गांधी चौक पुलिस स्टेशन के सामने पहुंचकर विरोध प्रदर्शन किया और राजकुमार मजगे के ख़िलाफ़ FIR किया और गिरफ्तारी की मांग की। इसके बाद DYSP सोमलिंग कुंबार, CPI राघविंदर सिंह ठाकुर, PSI अमल कुलकर्णी और उनकी टीम ने राजकुमार मजगे को अरेस्ट किया। इसी के चलते आज बसवा कल्याण में बंद मनाया गया। नॉलेज पार्क द क्रिएटिव स्कूल एडमिशन्स आर ओपन फ्रॉम नर्सरी टू 8th स्टैंडर्ड। नॉलेज पार्क प्रोवाइड्स फ्री यूनिफॉर्म, फ्री टाई, फ्री बेल्ट, फ्री ID कार्ड विद हेल्दी लर्निंग एनवायरनमेंट। This video is presented by ASM Super Speciality Hospital, Gulbarga. Presidency English Medium Public School, admission are open. पहली बात तो मैं इस जो हरकत हुआ है इसको मैं खंडन करता हूँ। हमारा जो देश है ये सेकुलरिज्म है। इस हमारे देश में हिंदुज्म है, मुस्लिम है, बौद्धिज्म है, जैनिज्म है। उस कंट्री के अंदर हम समानता के ऊपर चलना है, वो भी खास करके हमारे बीदर डिस्ट्रिक्ट की जो बसवा कल्याण है, ये तो मानवता आधार के ऊपर चल रहा है। इधर हिंदू धर्म हो या मुस्लिम हो या ईसाई हो या क्रिश्चियन हो, कोई भी धर्म का जो आदमी है हम भाईचार के नाते चलाते हैं। कोई भी कम्युनिटी का कोई भी बंदा अगर गलत काम करता है उनका सख्त से सख्त जो IPC के अंदर जो कायदे कानून के तौर पर जो हम है उसको सख्त कार्रवाई करेंगे। जो आपने पूछा है कुछ लड़कों लोग कुछ ये पोस्ट किया थे बोल रहे हैं, अभी मैं भी इसमें वोल में देखा है। जो हमारा माननीय SP साहब ने बोला मेरे को उधर जाको बसवागढ़ में क्या हो रहा है, जस्ट अभी आया हूँ मैं देखा हूँ कुछ जो हरकत किया है उस लड़के को हम अरेस्ट कर चुके हैं। अभी FIR हो रहा है, जो लीगल प्रोसेस हम जरूर करेंगे। सिर्फ वो अकेले लड़के की बात नहीं, इसके पीछे कौन है, क्या जड़ ये है, उसके जड़ तक जाके हम इन्वेस्टिगेशन करेंगे। इसके पीछे कोई भी हो हम उसको कायदे कानून पर हम नहीं छोड़ेंगे, हम सख्त से सख्त जो कानून पर वो हम कार्रवाई करेंगे। दिस वीडियो स्पॉन्सर्ड बाय नॉलेज पार्क द क्रिएटिव स्कूल।